Assalamualaikum everyone, this is Kamal once again with another vlog. और ये vlog मैं काफ़ी अरसे के बाद ला रहा हूँ और आज मेरे साथ हैं गुन्नू जान भी. गुन्नू से हाई टू एवरीवन. ये क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा चलो छोड़ो. ये चीज मजे तंग कर रहे हैं मुझे एज यूजल. ये मेरे साथ आए हुए इस्लामाबाद आ गई थी. सबसे पहले जी गुन्नू की फरमाइश है उसको खाने पीने का सामान जो लेना है जो ले लो. तो पानी की बोतल वो पड़ी हुई है नीचे फ्रिज में. ये चांद ये नीचे इधर आओ. ये पानी की बोतल आ गई इसकी. सेवन अप पेप्सी लेनी है. सेवन अप अच्छा ठीक है खोलना नहीं है अभी प्लीज़ बाबा को. और कुछ चिप्स वगैरह कुछ भी नहीं. लेज नो लेज नहीं यार टॉयज नहीं लेने अभी. आओ ना तुम्हें टॉयज ही लेने देने जा रहा हूँ. फाइनली इन्होंने लेज भी ले ली अपने साथ और पेप्सी और पानी भी ले ली. सेवन अप सॉरी. ये अब रस्ते में मुझे थोड़ा सा कम तंग कर. आज के जो ब्लॉग का मकसद है वो है जी गुन्नू की बर्थडे. गुन्नू की कुछ दिन पहले बर्थडे थी और उस दिन मेरा वर्किंग डे था. केक तो हमने इसका काट लिया था लेकिन इसको गिफ्ट नहीं लेके दे सका था मैं. तो ही वॉज डिमांडिंग अ स्कूटी. पूरी PWD की मार्केट मैंने सर्च की इम्तियाज तक गया मैं स्कूटी ढूंढने के लिए लेकिन ना मुझे डिज़ायर्ड स्कूटी मिल रही थी और ना मुझे उसकी प्राइस अच्छी लग रही थी. तो आई थॉट कि यार पिंडी चला जाए स्लैटली ये हो जाएगा कि यार मुझे शायद ज़्यादा ऑप्शन वहाँ से मिल जाए. तो कोशिश तो मैं यही करूँगा कि इसको कुछ सस्ती सी लेके दूँ क्योंकि इनकी ज़िंदगी का जो मकसद है ना वो मेरे पैसे पर बात करना. चीज़ देते हैं तो एक दिन एक डेढ़ दिन चला के इसमें शौक पूरा हो जाता है. चलते हैं आज हम कंटेंट भी बनाते हैं इससे रिलेटेड. साथ गुन्नू भी है ये मुझे तंग करने वाला है बहुत ज़्यादा. और हम लेते हैं जाके स्कूटी भी. अभी हम जी गुलबर्ग के पास से गुजरने लगे हैं. पहले हम PWD गए थे अपनी शॉप के ऊपर इसको ड्रॉप किया और फिर वहाँ से हम आगे चल पड़े पिंडी की तरफ. और ये गुलबर्ग का जो इंटरचेंज है उसको हम क्रॉस करने लगे. सबसे पहले जी मैं चाह सुल्तान पे आया हूँ. मुझे कुछ गाड़ी का यहाँ से सामान ख़रीदना था बल्कि वेदर स्ट्रिप्स ख़रीदनी थी दरवाज़ों की. तो मैंने सोचा कि मैं पहले वो यहाँ से लेता हुआ चलूँ क्योंकि वापसी पे मैं बाहर से निकलूँगा ताकि जल्दी घर पहुँच जाएंगे क्योंकि उन्होंने मुझे शरीर तंग कर दिया ना. अभी तक तो ये खामोशी से बैठा हुआ है लेकिन इसके मूड का कोई पता नहीं है कब बिगड़ जाए. वेदर स्ट्रिप्स मैंने बाय कर ली हैं लेकिन यहाँ से वेदर स्ट्रिप्स बाय करना एक जहाद था. PK ऑटोज पे इतनी रश और गाड़ी पार करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन फाइनली मैंने ले ली हैं और अब आगे गुन्नू की शॉपिंग की तरफ चलते हैं. PK ऑटो से सुजुकी का तकरीबन सारा सामान मिल जाता है. सुजुकी की किसी भी गाड़ी का यहाँ से मोस्टली सामान बॉडी पार्ट्स वगैरह एसेंशियल पार्ट्स सारे मिल जाते हैं. लेकिन इनके पास रश बहुत होता है तो जब भी आप यहाँ पर आएँ बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के हैं और अपनी गाड़ी दूर पार्क करके हैं. मरी रोड इस वक्त जैम पैक है. मुझे कॉली रोड की तरफ जाना है और सिचुएशन जो है वो इंतहाई गंभीर है. ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा दबाव है यहाँ पे. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ड्राइव द कार इन सच कंडीशन. कुनो जान में तंग हो गए इस रश में. कहते हैं बहुत धूप है हालांकि अक्टूबर का एंड चल रहा है नवंबर का स्टार्ट होने लगा लेकिन स्टिल गर्मी है. हम इसे यूज़ कर रहे हैं गाड़ी में. ये एक साइकिल की शॉप है जी कॉलेज रोड पे. तो मेन पे पहले इसको विजिट करते हैं. बहुत सारी स्कूटीज बहुत सारी साइकिल मिल जाती है. कौन सी चाहिए बेटा आपने स्कूटी लेनी है साइकिल लेनी है? स्कूटी
एक और शॉप विजिट कर रहे हैं जी, यहाँ पे भी देख रहे हैं स्कूटी अच्छी सी अवेलेबल हो रही है। मोस्टली कार्ड पेमेंट्स का यहाँ पे इशू है, तो मेरे कार्ड पेमेंट की सारी चीज़ें मशहूर हैं। एक और शॉप देखने के लिए आए हैं, बादल खजल हो रहे हैं जी शॉप्स के ऊपर स्कूटी ढूंढने के लिए। आ जाओ जान। और यहाँ पर किसी का भी रेट यूनिफॉर्म नहीं है, जो रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई बहुत महंगा है कोई बहुत सस्ता है, आई डोंट नो इतना फर्क क्यों है। आप पीछे हो ना जी, गुनू को एक स्कूटी पसंद तो आई है अल्लाह का। फाइनली जी कुछ स्कूटीज़ यहाँ पे अच्छी वैरायटी मिल गई है। ये गुनू एक देख रहे हैं, खेल रहे हैं, और भी देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास अवेलेबल। तो इधर से अटैच कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लिप वापस इस तरह कर लें। अभी मैंने क्या किया, ये क्लिप खोल दिया, इसको इधर से ये लूज किया, ठीक है, ताकि ठीक है जी, इसको इधर से ये प्रेस कर लें, ये वाला जी। फोल्डेबल स्कूटी हमने बाई किया जी, इट्स वर्थ जस्ट 7000। ये देखो द गुनू, ये वापस इस तरह होता है, ये तो ईजिली होता है, ये देखो ये ईजिली होता है। और गुनू साहब ने जिनता ईजिल पकड़ लिया कि मुझे यही लेनी है, और अनफॉर्चुनेटली इधर कार्ड पेमेंट का भी बहुत इशू है। इधर यू लाइक इट, लाइक इट जी। हमने गुनू के लिए स्कूटी बाई कर ली है 8000 की। मैं तो बहुत सस्ती लेने के लिए आया था, लेकिन गुनू साहब की जो पसंद है वो हमसे जो नहीं की होती है। अभी ये फॉरेन की भी फरमाइश कर रहे हैं, तो इसको भी बाई करते हैं, फिर व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह। एंड वी जस्ट मेड इट, वी बॉट द स्कूटी फॉर द गुनू, और अभी हम इसको गाड़ी में रख के वापस लेके जाएंगे। चलें चांद, या तो मुझे उठाने दें, आप खुद उठा लें। हमने ले लिया जी, फाइनली मैं आपको बता भी चुका हूँ, और देखिए अब हम जा रहे हैं घर, लेकिन घर से पहले मुझे PWD आउटलेट जाना है। और गुनू एक मिनट यार, इसी को थोड़ा सा कम करो, और उसके बाद मैं इसका रिव्यू भी आपको दूंगा। पिंडी आने में प्रॉब्लम ही आती है कि यार यहाँ पे रेट यूनिफॉर्म नहीं है किसी के, एक ही सेम ही चीज़ के मुझे कुछ 6-7 रेट मिले। मैंने एक बाइक कार ली है अल्लाह को याद करके, पता नहीं सही किया या गलत किया, 8000 की ये मिली है, आई डोंट नो बारे में मिली है या नुकसान में मिली है। चलें मेरा बेटा खुश है, दैट्स मोर देन एनफ फॉर मी। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके रिव्यू भी थोड़ा सा देता हूँ आपको। फाइनली जी संडे के दिन हम पार्क आ गए गुनू को लेके, कल सैटरडे था तो मैं इसको लेके गया था मार्केट फॉर हैविंग हिज स्कूटी शॉपिंग एंड समथिंग एल्स टू। और अभी ये पार्क में जैसे इन्जॉय कर रहा है, ये इसकी स्कूटी है, और इसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। वो अकेला इन्जॉय कर रहा है आज, इसकी बहन नहीं है इसके साथ, वो अपने नानों के घर गई हुई थी, मेरे साथ ही है। सो लेट्स सी द स्कूटी, फर्स्ट ग्लांस मैंने तो समझा कि ये एलुमिनियम की है, लेकिन क्योंकि इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो आई डोंट थिंक सो ये एलुमिनियम की है। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। आगे इसमें दो फ्रंट शॉक्स हैं जो कि सिर्फ स्टैटिक पर्पज़ के लिए हैं, दे आर नॉट वर्किंग, वो बिल्कुल स्टैटिक हैं, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रेयर से ये डुअल व्हील है, फ्रंट पे इसकी मोनो व्हील है, इसका ये पूरा हैंडल रिट्रैक्ट होके बिल्कुल ये फोल्ड हो जाता है, इसके जो ये हैंडल बार हैं ये भी फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये आप कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसका वेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा है, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर साइकिल है, बाइक है, जो कि एलुमिनियम प्लस स्टील का कोई कैटलिस्ट है, वो बहुत लाइट वेट है, लेकिन स्टिल वो भी प्योर एल्युमिनियम नहीं है, तो वो इस वजह से मुझे थोड़ी सी वो भी ज़रूरत से ज़्यादा भारी लगती है। लेकिन ऑब्वियसली वो जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल साइकिल्स होती हैं, या जो पाकिस्तान में जो लोकल साइकिल प्रोड्यूस होती हैं, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है।